पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी को धूम देखने को मिल रही है। तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर रामगढ़ जिले के पटेल नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर को भी सजाया गया है और यदुवंशी समाज की ओर से पहली बार कल्याणचल की धरती पर पटेल नगर राधा कृष्ण मंदिर से लेकर भूरकुंडा थाना मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मथुरा वृंदावन की तर्ज पर कई झांकियां भी समाहित होगी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने। रामगढ़ के कोलांचल में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और इस समय मैं मौजूद हूँ रामगढ़ जिला के भूरकुंडा अंतर्गत पटेल नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर पूरी तरीका से तैयारी हो चुकी है। कुछ ही क्षण में यहाँ से झांकी शोभा यात्रा के तौर पे पटेल नगर से लेकर भूरकुंडा तक पूरा शोभा यात्रा घूमेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पूरी तरीका से तैयारी जन्माष्टमी को लेकर कर चुके हैं। यहाँ पर कमेटी के भी लोग, पूजा के लोग, कई श्रद्धालु पहुंचे। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या तैयारी है आज को लेकर, क्या तैयारी है? तैयारी लेके आजकल बहुत अच्छा है। क्या है आज? जन्माष्टमी है, जुलूस आज निकलेगी यहाँ से लेकर थाना चौक तक जुलूस निकलेगी। शोभा यात्रा पटेल नगर से लेकर भूरकुंडा थाना चौक आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। क्या कहेंगे आप, तैयारी किस तरह की है आप लोग? हम सबसे पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम सभी यदुवंशी भाई लोग मिलकर जो यहाँ मंदिर में पूजा होता है उसके अलावे हम लोग एक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो बिरसा चौक होते हुए बाजार होते हुए भूरकुंडा थाना तक जाएगी। कब से यहाँ पर पूजा हो रही है? पूजा तो यहाँ बहुत दिन से हो रहा है, ये जानकारी हमको नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार जो है यादव समाज जो है ये शोभा यात्रा निकाल रहा है। अच्छा, निश्चित तौर से अगर कहा जाए तो पहली बार कोलांचल भूरकुंडा पटेल नगर में जो है इस बार पहली बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और देख सकते हैं यह जो है मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर है, यहाँ पर वर्षों से पूजा पाठ होता है, आज पहली बार इस साल जो है भव्य तरीके से शोभा यात्रा भी निकाली जाए। कुछ और लोग हैं इनसे आज जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं तमाम झारखंड वासियों और देशवासियों को जन्माष्टमी का बधाई देता हूँ और हम सभी यदुवंशी मिलकर समाज को एक नया दिशा देने के लिए जो आज शोभा यात्रा होगा उसमें हमारे समाज के साथ साथ तमाम सनातन धर्मियों जो भी लोग हैं सभी लोग हमारे इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे और देश की सुख समृद्धि के लिए हम लोग कामना करेंगे भगवान श्री कृष्ण से कि देश दिन दुना रात चौगुना विकास करे और हम लोग यही कामना करेंगे कि हम सभी स्वस्थ रहें और विकास करें। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, पहली बार यदुवंशी समाज के द्वारा पहली बार पटेल नगर की बात करें भूरकुंडा में तो शोभा यात्रा पहली बार निकाली जा रही है, भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाला जाएगा, इसकी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। कुछ और भी लोग हैं इनसे जानते हैं क्या तैयारी है शोभा यात्रा को लेकर। तैयारी हम लोग को हो चुकी है, मतलब आज हम लोग एक हफ्ता से जो है इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। कोलांचल में पहली बार जो है ये इस तरह के जो है शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और ये बहुत सबको हर्ष है, उल्लास है, सब उमंग है, सारे वृद्ध सभी लोग जो है एकजुट है और इसके माध्यम से जो है समाज को जो है एक धागा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है और कार्य तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तैयारी पूरी हो चुकी है, रात में कन्हैया जी क्या क्या कार्यक्रम होना है यहाँ पर? यहाँ पे जो मंदिर कमेटी का जो कार्यक्रम होता है वो होगा, हम लोग यहाँ से अखंड ज्योति लेकर निकलेंगे और अपना भूरकुंडा थाना तक जाएंगे और फिर वापस उसको अखंड ज्योति को यहाँ पे लाकर दे देंगे और इसमें जो है हम लोगों ने हर कीर्तन का भी व्यवस्था रखा है, डीजे साउंड है, उसके बाद एक गौ माता है, ये सब शोभा यात्रा में जो है ये आगे आगे चलेंगे, पीछे से हम लोग पूरा जत्था कर सकते हैं। रामगढ़ वृंदावन मथुरा के तर्ज पे पहली बार यहाँ पे कोलांचल की धरती पटेल नगर में भी वह नजारा देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पटेल नगर में धूम देखी जा रही है। रामगढ़ से टीवी 45 के लिए मैं अनुज कुमार।